हो अगर धरती घूमना बंद कर दे? क्या हो अगर चंद्रमा धरती से दूर चला जाए? क्या हो अगर हमारा वायुमंडल रुक जाए? और क्या हो अगर हम आसमान में उड़ने लगे? ऐसे कई सवाल आपके मन में आते होंगे और आपको इससे डरना भी होगा। हमें ये पता है कि धरती अपनी धुरी पे घूमती है, जिसकी वजह से हम समय का आभास कर सकते हैं। वहीं हम कई ऋतुओं को पहचान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए धरती अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे, तो आपके मन में ये सवाल आना लाजमी होगा, तो क्या होगा? तो आपको बता दें, इससे ये होगा कि हमारी इस दुनिया में आखिरी गिनती शुरू हो जाएगी। जी हाँ, आइए हम बताते हैं क्यों होगा ऐसा और किसने ऐसी चेतावनी दुनिया को दी है। हम जिस धरती पर मौजूद हैं, वह अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। क्या कभी आपने सोचा कि यदि धरती का अपनी धुरी पर घूमना यदि रुक जाए या इसकी घूर्णन गति मंद पड़ने लगे, तो अंजाम क्या होगा? वैज्ञानिकों की माने तो यदि उक्त अनहोनी हुई, तो इसकी वजह से धरती पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक अध्ययन के मुताबिक धरती के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार धीमी हो रही है, जिससे चंद्रमा इससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना बड़े भूकंपों की वजह बन सकती है। धरती पर आने वाली भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप एक ऐसी विपदा है जिसे इंसान आज तक डिकोड नहीं कर सका है। साल 2001 में गुजरात में आया भूकंप इनमें एक था, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, 26 दिसंबर 2004 को 9.1 तीव्रता भूकंप के बाद आई सुनामी में लगभग 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मैथ्यू फंक ने कहा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक ज्वारीय उभार बनाता है। ये उभार भी धरती की घूर्णन गति से घूमने का प्रयास करता है। नतीजतन धरती की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि धरती की घूर्णन गति या अपनी धुरी पर घूमने की गति सुस्त पड़ने से भूकंपीय घटनाएं बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि चंद्रमा की वजह से जब धरती का कोणीय संवेग मंद पड़ता है, तो चंद्रमा इसे हासिल करने के लिए अपनी कक्षा में थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। अध्ययन के मुताबिक चंद्रमा हर साल लगभग 1.5 इंच आगे बढ़ रहा है। इससे धरती पर भविष्य में बड़े भूकंप आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोरेडो के वैज्ञानिक रोजर बिहाम और यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना के रेबेका बेंडिक ने अपने अध्ययन में पाया कि वर्ष 1900 के बाद से 7 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंपों में इजाफा हुआ है। खत्म हो जाएगी धरती से इंसानों की आबादी। इससे पहले लंदन के वैज्ञानिक माइकल स्टीवंस ने अपने अध्ययन में पाया था कि धरती यदि एकाएक घूमना बंद कर दे, तो वातावरण गतिमान बना रहेगा। हवा 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ये तूफानी हवा रास्ते में आने वाली हर चीज को ध्वस्त करती चली जाएगी। मनुष्य किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराएंगे। इसके साथ ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। उस समय का वातावरण परमाणु विस्फोट के बाद की स्थितियों जैसा होगा, जिससे नाभिकीय व अन्य प्रकार के प्राण घातक विकिरण फैल जाएंगे। समुद्र का पानी एकाएक उछलने से बाढ़ की स्थिति होगी। पृथ्वी पर आधे साल दिन रहेगा और आधे साल रात रहेगी। इससे धरती पर इंसानों की आबादी खत्म हो जाएगी। धरती पर दिशा की जानकारी देने वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अर्थात चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी स्थिति बदल रहा है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का डायरेक्शन उत्तर ध्रुव से सालाना 55 किलोमीटर अर्थात 34 माइल की दर से साइबेरिया की तरफ खिसक रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो बीते कुछ दशकों में पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव इतनी तेजी से खिसका है कि पूर्व में लगाए गए अनुमान अब जल मार्ग के लिए सही नहीं बैठ रहे हैं। इससे आज के मॉडर्न गैजेट्स काम नहीं कर रहे हैं और आप समझ ही गए होंगे कि हमारी पृथ्वी की शक्ति जिससे हम पेड़ काटकर और ग्लोबल वार्मिंग से बर्बाद करने में तुले हैं।
कोरोना महामारी से जहां भारत ही नहीं पूरी दुनिया ग्रसित है, लाखों लोगों की जान दुनिया में कोरोना की वजह से चली गई है, वहीं अब नासा के साइंटिस्टों ने पूरी दुनिया पर एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है उसकी स्पीड हर साल कम होती जा रही है। इसका परिणाम हमें आगे जाके इस तरह भुगतना पड़ेगा कि आगे जाके भारी भूकंप के झटके आएंगे, इसकी तीव्रता 9 से ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जो चांद हम देखते हैं वो हमारी पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा, जिसका परिणाम सुनामी तक हो सकता है। तो हमें अभी से इस चेतावनी को बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए और हमें इस बात पे पूरा जोर देना चाहिए कि हम जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको कम कर सकें। इसके अलावा हम जो पेड़ हैं वो लाखों संख्या में पूरी दुनिया में लगाएं ताकि इस पर्यावरण को हम बचा सकें। रियान टीवी दिल्ली से, मैं प्रशांत शर्मा।